नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ Xiaomi की X Pro QLED जो 2024 में रिलीज हुई है विद Realme की टेक लाइफ वाली सिनेसोनिक क्यू क्यूलेट। नाउ मैं जल्दी जल्दी ये वीडियो एक्चुअली मैं बनाना चाहता था क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले Realme सिनेसोनिक क्यूलेट्स और UHD TVs के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ था, पर उस टाइम पे जो प्राइसिंग पे ये लिस्टेड था दैट वॉज अट्रोशियसली हाई। तो वन ऑफ द रीजन्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज Realme की क्यूलेट्स की प्राइसिंग जो है वो ड्रास्टिकली घट गई है। तो क्या आफ्टर द प्राइस रिड्यूस क्या ये टक्कर दे सकता है Xiaomi की X Pro को, और क्या ये एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अब बन चुका है आफ्टर द प्राइस रिडक्शन? ये सब चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपार्ट फ्रॉम द कंपैरिजन। वीडियो शुरू करने के पहले दो डिस्क्लेमर। फर्स्ट वन ये कि ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है, दिस इज एन इंफॉर्मेशनल एंड अ कंपैरेटिव एनालिसिस वीडियो जहां पे मैं आपको ढेर सारे इन्फॉर्मेशन इन टीवीज के बारे में बताऊंगा, और वीडियो के एंड में मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन सी टीवी आपको लेनी चाहिए इन दो में से, वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी आपको बताऊंगा। और दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि प्राइसेस देखिए चेंज होते रहता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था रियलमी का तो उसकी प्राइसिंग वॉज अट्रोशियसली हाई, अब बहुत ज्यादा घट चुकी है। तो प्राइसिंग चेंज होते रहती है भाई, आई मीन ऊपर जाएगा नीचे आएगा, सो प्लीज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और ऐसा नहीं कि मैंने इस वीडियो में दिखा दिया तो यही प्राइस रहेगा, जस्ट कीप दैट इन माइंड। अब हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर लें तो देखिए सब कुछ एकदम बराबरी की टक्कर है। 3 HDMI पोर्ट्स है, HDMI ER का सपोर्ट है, 2 USB पोर्ट्स है, आपका ऑप्टिकल पोर्ट है, इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ आर्क का सपोर्ट है आई बिलीव इन द रियलमी वाला जो टीवी है, नॉट ई आर्क का सपोर्ट। ईयरफोन का पोर्ट दोनों में है, ईथरनेट लैन पोर्ट दोनों में है, वाईफाई डुअल बैंड है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी 5.0 के ऊपर ही होने वाला है। फार फील्ड माइक्स बट सिर्फ Xiaomi की X Pro QLED में है, वो आपको रियलमी की सिनेसोनिक QLED में नहीं मिलती है। तो अगर आप फार फील्ड माइक्स के शौकीन है यू नो विच टीवी यू नीड टू गो विथ। लेट्स गो ओवर टू ऑडियो एंड साउंड। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे चेंज इसलिए बिकॉज रियलमी की ये जो सिनेसोनिक क्यूलेड है उसमें अलग साइजेस में अलग साउंड है, यानी थोड़ा बहुत चेंज होता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप उसकी एडवर्टीजमेंट या लिस्टिंग देखेंगे तो 65 वाला जो मॉडल है 65 इंच वाला, उसमें आपका 44 वॉट्स की साउंड है, और उसके नीचे वाली जो साइजेस है उसमें 40 वॉट्स की साउंड आपको मिलेगी। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि These are still downfiring speakers. ये एक integrated sound bar नहीं है. So इसमें दो master speakers जो है वो जो downfiring होगा वही होगा दोनों ही TVs में, इनफैक्ट चाहे वो Xiaomi का X Pro हो चाहे वो Realme की Cinesonic QLED है. अब Realme की Cinesonic में they have something called DBX, Total Sonic का DBX, which is probably similar to DTX X surround sound, क्योंकि it also is based around true surround sound का जो tech आता है उसके अराउंड। सो Dolby Atmos स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको Xiaomi Pro में नहीं मिलेगा, पर पास थ्रू के द्वारा आप Dolby Atmos यूज कर सकते हैं, आपको Dolby ऑडियो मिलेगा स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स इन Xiaomi X Pro QLED, पर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स DTS:X का सपोर्ट मिलेगा ऑन Xiaomi, जो यहां पे DTX नहीं बट DBX है Realme में, और Dolby Atmos का सपोर्ट स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि साउंड के मामले में एक आगे बढ़ जाता है, पर फ्रॉम वॉट एवर आई हैव नोटिस्ड इन Xiaomi टीवीज की पास्ट 2 ईयर्स से उनकी जो ऑडियो ट्यूनिंग है इट इज़ वेरी गुड, इनफैक्ट वेरी कंपेरेबल टू TCL टीवीज के जो ऑडियो ट्यूनिंग है, साउंड एकदम बैलेंस्ड आता है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट सिनेसोनिक का ये जो QLED है उसकी साउंड फिडेलिटी कैसी होगी, पर Xiaomi का मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ साउंड फिडेलिटी इज वेरी गुड, यू हैव टू हियर इट। सो हमेशा वॉटेज पे मत जाइए, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ Just because it's 40 या 44 watts does not mean it's necessarily good. कभी कभी 24 watt भी 40 watt से अच्छा हो सकता है in terms of clarity. यहाँ पे I think Xiaomi X Pro will have that advantage. जो fidelity का advantage है वो Xiaomi X Pro में होगा, हालांकि इसमें Dolby Atmos नहीं है straight out of the box. पर even then, I think the fidelity advantage Xiaomi X Pro का होगा. हाँ, loudness Realme का Cinesonic में होगा, एंड ऑब्वियसली इसमें Dolby Atmos स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट Dolby डिजिटल भी मिलता है और DBX साउंड यानी ट्रू सराउंड भी मिलता है। तो ऐसा नहीं कि वन मूव्स अहेड, यहाँ पे बराबरी की टक्कर है, पर इन टर्म्स ऑफ फिडेलिटी आई थिंक X Pro विल कंपैरेटिवली बी बेटर।
अब कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस की अगर हम बात कर लें तो Xiaomi की जो X Pro QLED है ना, दे कम विद 32 GB का इंटरनल स्टोरेज एंड दैट इज नीडेड स्पेशली फॉर Xiaomi, क्योंकि इसमें एंड्रॉइड 14 बेस्ड गूगल टीवी ओएस है, पर इसमें पैचवॉल का यूजर इंटरफेस है। गूगल टीवी ओएस तो वैसे भी हैवी है और पैचवॉल का यूजर इंटरफेस और भी हैवी कर देता है ओएस को, तो 32 GB का इंटरनल स्टोरेज इज डेफिनेटली अप्रिशिएटेड। Realme Cinesonic में भी आपको Google TV OS मिलेगा। I don't think it's Android 14, most likely it's Android 12, but don't quote me on it. Most likely it's Android 12 based Google TV OS. यहाँ पे आपको 2 GB का RAM पर 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है। Quad-core प्रोसेसर्स दोनों में ही हैं। माली का GPU भी होगा दोनों ही टेलीविजन्स में, सो उस मायने में भी दोनों ऑलमोस्ट बराबरी की होगी टक्कर। पर हाँ, इंटरनल स्टोरेज के मामले में एंड टीवी OS की जो वर्जन है उसके मामले में X Pro एक्चुअली में आगे निकल जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डिस्प्ले एंड पैनल। अब पैनल मोस्ट लाइकली इन दोनों ही टीवीज में VA पैनल्स होने वाले हैं, IPS नहीं होंगे मेरे हिसाब से। ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, एकदम 100% वाला इंफॉर्मेशन नहीं है, पर इट इज मोस्ट लाइकली 85-90% अ VA पैनल ओनली। QLED पैनल्स है, क्योंकि अगर आप दोनों टीवीज को देखेंगे तो दोनों ही टीवीज में वो क्वांटम डॉट लेयर है, तो इस क्वांटम डॉट लेयर के कारण आपका जो फ्रंट पैनल है और बैक लाइटिंग के बीच में एक एक्स्ट्रा क्वांटम डॉट लेयर आ जाता है, जिसके कारण आपके कलर्स और खिल करके दिखेंगे, जिसके कारण आपके जो कलर रिप्रोडक्शन है ऑन स्क्रीन विल बी कंपैरेटिवली बेटर। एंड एज यू कैन सी, दोनों ही टीवीज आर क्यूलेट्स। अब रही बात ब्राइटनेस की, अगेन Xiaomi हैज नेवर डिस्क्लोज्ड उसकी ब्राइटनेस कितनी होती है, इनफैक्ट कॉन्ट्रास्ट रेशियो का भी जिक्र नहीं है। पर यहां पे थैंकफुली Realme के टीवी में एटलीस्ट उन्होंने ये जिक्र किया हुआ है कि यहाँ पे 400 यूनिट्स का ब्राइटनेस आपको मिलेगा। मेरे हिसाब से Realme विल बी कंपैरेटिवली ब्राइटर टू Xiaomi, बिकॉज Xiaomi माइट बी अराउंड द 350-380 निट्स, बट डोंट कोट मी अगेन ऑन इट, बट इट इज नॉट गोना बी एज ब्राइट एज 400 निट्स मेरे हिसाब से। अब कॉन्ट्रास्ट रेशियो का जिक्र दोनों ही में नहीं है, दोनों ही 4K 60Hz वाले पैनल्स हैं, Dolby Vision का सपोर्ट दोनों में है, HDR10 का सपोर्ट दोनों में है, HLG का सपोर्ट दोनों में है। ऑटो लो लेटेंसी मोड का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे जिक्र नहीं किया हुआ है, पर मोस्ट लाइकली इट माइट बी मिसिंग, बिकॉज Realme का ये जो टीवी है ना, इट माइट ओनली कम विद HDMI 2.0 एंड HDMI आर्क नॉट ई आर्क, जो एडवांटेज आपको X Pro में मिलता है, क्योंकि इसमें आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलता है बिकॉज इट्स HDMI 2.1, तो ई आर्क का सपोर्ट भी आपको मिलता है। अब MEMC का भी सपोर्ट जो है Xiaomi X Pro में 100% मिलेगा, पर यहाँ पे Realme के इस टीवी में मेंशन नहीं किया हुआ है एंड मोस्ट लाइकली अवेलेबल नहीं होगा। Here's the reason why I think अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसकी जो लिस्टिंग है उसमें अगर जाएंगे तो उन्होंने यहाँ पे देखिए पिक्चर मोड्स लिखा हुआ है, विविड, स्टैंडर्ड, यूजर, मूवी, स्पोर्ट एंड एनर्जी सेविंग, तो मोस्ट लाइकली, और एक आई कैन मोड भी है, मोस्ट लाइकली MEMC यहाँ पे अवेलेबल शायद नहीं होगा। अगेन आई एम नॉट श्योर, है तो बढ़िया है, बट अगर नहीं है तो इट बी वन ऑफ दोस फीचर्स विच इज मिसिंग। VRR का सपोर्ट आपको दोनों में नहीं मिलेगा, फुल अरे लोकल डिमिंग तो सवाल ही नहीं उठता है, और डिमिंग जोन्स तो है ही नहीं बिकॉज फॉल्ट पैनल है नहीं है दो टीवीज। फटाफट चलते हैं प्राइस पे, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी अनफेयर टू Realme। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने Realme को आप बोल सकते हैं धो डाला था अनफेयरली आई थिंक, बिकॉज यार अगर आप टीवी निकाल रहे हैं लिस्टिंग में प्राइस ठीक ठाक ही रखो, इतना बड़ा चढ़ा के उन्होंने प्राइस रखा हुआ था, सो आई वॉन्टेड टू मेक दैट करेक्शन बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फेयर टू Realme एज वेल। अब Realme की जो प्राइसिंग है लेटेस्ट लिस्टिंग में इतना उन्होंने घटा दिया है कि आपको 65 इंच मिल रहा है 41,999। मैंने बोला था पिछले वीडियो में, अगर आपको याद होगा मैंने बोला था कि 65 इंच दे शुड प्राइस इट बिलो 50,000, तो दे हैव डन द राइट सेंसिबल चॉइस हियर, बिकॉज द इंडियन टीवी मार्केट इज एक्सट्रीमली कंपेटिटिव। 55 इंच की अगर हम बात कर लें तो ऑलमोस्ट 18,000 रुपए का डिफरेंस है बिटवीन Xiaomi की X Pro QLED एंड Realme की Cinesonic QLED। नाउ हियर्स माय टेक ऑन इट, Xiaomi की X Pro QLED इज नो डाउट द बेटर टीवी इन दिस कंपैरिजन। ऑलराइट, बिल्ड उसका बेटर है, उसकी ऑडियो फिडेलिटी बेटर है, पिक्चर की जो ट्यूनिंग होती है क्योंकि कलर जो कैलिब्रेशन होता है वो भी आपको Xiaomi में बेटर मिलेगा देन Realme। I'm 100% confident about that as well, straight out of the box. इसका ये मतलब नहीं कि आप Realme में भी अच्छे कलर्स नहीं मिलेंगे, अरे आपको मेहनत करना पड़ेगा, यानी आपको कलर सेटिंग्स में जाकर के ट्यून करना होगा, पर स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपको अच्छी कलर ट्यूनिंग चाहिए तो वो आपको Xiaomi Pro में मिलेगी, X Pro में, बट इट इज 18,000 रुपीज मोर।
और इस प्राइस पॉइंट में जो है ना, जो 40,000 रुपए के नीचे है, और भी कई सारे टीवीज है, मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा हर एक वीडियो की तरह। Realme का जो ये प्राइसिंग है ना, वो बहुत तगड़ा रखा हुआ है। एंड इनफैक्ट अगर आप Realme की प्राइसिंग देखेंगे, वो इतना कंपेटिटिव है कि इट मेक्स वन थिंक कि चलो भाई, इतना पैसे में 55 इंच टीवी मिल रहा है, 65 इंच 42,000 में मिल रहा है, क्या खराबी हो सकता है। प्लस Realme का ब्रांड भी है, ऐसा नहीं कि यू नो कोई एलू तेलू ब्रांड है। Realme इज अ रिस्पेक्टेबल ब्रांड इन द मोबाइल मार्केट नाउ, इन द मोबाइल सेगमेंट वो अच्छे मोबाइल्स बनाता है, TWS भी बनाते हैं। टीवी उन्होंने बनाया था पर वो निकल चुके थे, पर अभी उन्होंने एक दूसरा अटेम्प्ट लिया है। आई थिंक मोस्ट लाइकली दीज आर टीवीज दैट आर मेड इन कोलैबोरेशन विद फ्लिपकार्ट। नाउ व्हाई डू आई से दैट, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये रहा रियलमी का टीवी का लिस्टिंग, आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स में जाइए। यहां पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स में मैन्युफैक्चर्ड बाय कोई कंपनी नहीं दिखा हुआ है। प्लॉट नंबर 30, शेड नंबर 2, इंडस्ट्रियल एरिया, और बस उतना ही इंफॉर्मेशन है, दैट्स इट। अब अगर आप मोटरोला के टीवीज देखेंगे ना, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, व्हाई, बिकॉज मोटरोला आल्सो, वी नो मोटरोला नोकिया टीवीज जो बनते थे, दे वर ऑल मेड इन कोलैबोरेशन विद फ्लिपकार्ट। तो अगर आप मोटरोला की ये एनविजन एक्स स्पेक्ट्रा, जो एक मिनी एलईडी टीवी है इनफैक्ट, अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग इन्फो में भी जाएंगे, प्लॉट नंबर 30, शेड नंबर 2, इंडस्ट्रियल एरिया, सेम पोस्ट कोड, कॉपी टू कॉपी, जेरोक्स कॉपी। तो दोनों टीवीज इनफैक्ट आर गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड एट द सेम प्लेस, चाहे वो मोटरोला की एनविजन एक्स स्पेक्ट्रा मिनी एलईडी हो या फिर रियलमी की ये टीवी, दे आर बोथ मैन्युफैक्चर्ड एट द सेम प्लेस। देखिए मैं बैक एंड फोर्थ इसलिए कर रहा हूं ताकि आप देख सकें, पोस्ट कोड भी सेम है, देखिए इट इज द सेम एंड नो कंपनी का जिक्र यहां पे। बट लेट मी गेट बैक टू द प्राइसिंग एंड लेट मी सम इट अप फॉर यू। देखिए एट दीज प्राइस पॉइंट्स, रियलमी सिनेसोनिक क्यू क्यूलेट डेफिनेटली बिकम्स ईजियर टू रिकमेंड देन इट्स ओरिजिनल प्राइस जो लिस्टिंग में आया हुआ था अवेलेबल होने के पहले। और बाय द वे अगर आपको जानना है कि ये कब अवेलेबल हो गया है, उन्होंने इनिशियली बोला था 11 सितंबर को, पर नाउ इट इज ऑलरेडी ऑनलाइन। अगर आप फ्लिपकार्ट में जाएंगे तो फ्लिपकार्ट में ये ऑलरेडी ऑन सेल है, एंड अगर मैंने इसे ऑर्डर किया ये कल तक आ भी जाएगा। सो द लिस्टिंग इज लाइव, द सेल व्हाटएवर द टीवी इज लाइव, तो आप ये खरीद सकते हैं। Xiaomi इज ऑल्सो लाइव, बोथ आर 2024 वाले मॉडल्स, बट फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो आई स्टिल थिंक कि Xiaomi की जो X Pro QLED है ना, वो 18,000 रुपीज का प्राइस जस्टिफाई नहीं करता है। It's a good TV, no doubt. It's a better TV, in fact, than the Realme Cinesonic QLED. पर इतना भी बेटर नहीं है कि वो 18,000 रुपए ज्यादा ले। हाँ, अगर आप बोल सकते हैं 40,000 रुपए का भी होता, ऑल राइट, तो 32 एंड 40,000 में 8,000 रुपए का डिफरेंस है। आई कैन स्टिल टेल या रिकमेंड, पर यहाँ पे तो यार जमीन आसमान का, यानी 18,000 रुपए में ना आपको एक 43 इंच टीवी भी मिल जाएगा, वो भी 4K सेल पे। तो आप ये 55 इंच भी ले पाएंगे और एक और 43 इंच भी ले पाएंगे, उतना डिफरेंस है इन दोनों में। तो आज की इस कंपैरिजन में आई एम टेलिंग दैट अगर आपका बजट है एकदम टाइट, गो विद रियलमी सिनेसोनिक क्यू क्यूलेट, दे नॉट बैड चॉइसेस। रियलमी का ब्रांड इज बैकिंग इट अप, सो आफ्टर सेल्स ऑल्सो विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। और टीवी इज नॉट बैड, इट्स मैन्युफैक्चर्ड अगेन इन कोलैबोरेशन विद फ्लिपकार्ट, सो ऐसा नहीं है कि एकदम खराब स्टैंडर्ड वाले टीवीज होने वाले हैं, दे आर गोना बी गुड, एक बेसिक स्टैंडर्ड वो मेंटेन करेंगे, मैं बोल रहा हूं। पर ऑब्वियसली द बेटर टीवी इन दिस कंपैरिजन इज द Xiaomi X Pro। अगर बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो यू कैन गो विद द Xiaomi X Pro QLED। पैच वॉल का यूजर इंटरफेस आता है, साउंड की फिडेलिटी इसमें बेटर है, बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बेटर है। पर अगर टाइट बजट में है, आज के इस कंपैरिजन का विनर मैं बोलूंगा फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू बजट रेशियो इज Realme की Cinesonic QLED। आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड एज मच एज यू आर, बिकॉज इसकी ओरिजिनल प्राइसिंग इतनी हाई थी, अब इतना लो हो गया है। इससे ना एक और डाउट आ जाता है कस्टमर्स लोग के दिमाग में, यार उतना प्राइस अब इतना लो कर दिया, ये सब यार सेल्स टैक्टिक्स है जो ये लोग अपनाते हैं, हर एक मैन्युफैक्चरर अपनाता है, इट्स नॉट जस्ट Realme, हर एक मैन्युफैक्चरर ये खेल करता है। तो एट दीज प्राइसेस Realme बिकम्स ईजियर टू रिकमेंड, बट अगेन लेट मी टेल यू दैट इन दिस कंपेरिजन द Xiaomi की X Pro इज द बेटर टीवी टू बाई, पर नॉट सो मच कि इतना ज्यादा पैसा डिमांड करे। और पैसे की अगर हम बात कर लें तो आपको बहुत सारी TCL की टीवीज मिल जाएंगे 40,000 रुपए के नीचे विद कूपन डिस्काउंट्स, जो इन दोनों टीवी से बेटर है, यानी Xiaomi X Pro से भी बेटर है और Realme Cinesonic QLED से तो डेफिनेटली बेटर है। वाई? बिकॉज ये दोनों टीवीज जो आप लिस्टिंग देख रहे हैं यहाँ पे,
एक है 36990 यानी 37000 में, एक 39000 में मिल जाएगा, सिर्फ 2000 रुपए का डिफरेंस है। TCL C61B में तो आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज भी मिलेगा, दोनों टीवी में डेडिकेटेड सब वूफर आता है। यहाँ पे 75 लिखा हुआ है P71B प्रो का, उसमें मत जाइए, मैं 55 इंच की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑलराइट। पर दोनों ही टीवीज में आपको सब वूफर मिलेगा, 35 वॉट का साउंड मिलेगा, एंड इसका तो साउंड इज इवन बेटर देन Xiaomi, बिल्ड क्वालिटी इवन बेटर देन Xiaomi। आपका गेमिंग फीचर्स भी है, बिकॉज इसमें आपको VRR 120 हर्ट्ज़, DLG का 120 हर्ट्ज़ मिलेगा, तो अगर आप गेमिंग भी करते हैं, दिस इज अ कंपैरेटिवली बेटर टीवी। दे आर कंपैरेटिवली ब्राइटर टीवीज एज वेल, बिकॉज C61B में 450 निट्स की ब्राइटनेस है, विच कैन पीक एट 600 निट्स, और P71B प्रो में 315 निट्स ऑफ ब्राइटनेस है, विच कैन पीक एट 500 निट्स। तो बोथ दीज टीवीज आर द कंपैरेटिवली बेटर टीवीज टू बाय देन बोथ दीज टीवीज इन टूडेज कंपेरिजन। आपको क्या लगता है कि मेरे इस आज के कंपैरिजन में डिड आई मेक वैलिड पॉइंट्स? अगर आप मेरे से सहमत है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप सहमत नहीं भी है, तभी भी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी कैन ऑलवेज हैव अ वेरी हेल्दी एंड रिस्पेक्टफुल चैट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा, मेरी हमेशा कोशिश रहती है। जाने के पहले एक छोटी सी रिस्पेक्ट, प्लीज इफ यू कैन जस्ट हिट ऑन दैट लाइक सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्त यार परिवार वालों के साथ जो एक टीवी लेना चाहते हैं, और वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे आफ्टर टेकिंग अ लुक एट दिस वीडियो, और मुझे भी यूट्यूब एल्गोरिथम से ब्राउनी पॉइंट्स मिलेगा। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, मैं इन सारे टीवीज एंड सम रिकमेंडेड टीवीज की जो लिस्टिंग है उसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप जब भी उन लिंक्स को क्लिक करके कोई भी टीवी लें, नो मैटर विच ब्रांड इट इज, चाहे वो रियलमी हो, Xiaomi हो, TCL हो, Hisense हो, View हो, Samsung, Sony, LG भी, जब भी आप उन लिंक्स को क्लिक करके एक टीवी परचेस करेंगे, मुझे Amazon की अफिलिएट कमीशन मिलेगी। ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूँ, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से दैट, एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग माई चैनल बाई क्लिकिंग ऑन दोज लिंक्स एंड परचेसिंग दोज प्रोडक्ट्स। पर आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, इट्स अ रैप फॉर दिस वन, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, and may God bless you all.